गाइस वेलकम टू बूस्ट अप। आज है 3 जुलाई और मैं आ चुका हूँ अपनी डेली वोकैब वाले सेशन में। मेरा नाम है अभिषेक आनंद और स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड आया हुआ है वो है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब क्या होता है? ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ काफ़ी भारी हो, काफ़ी हेवी हो इन वेट, तो उसको कहा जाता है ओवरवेलमिंग। ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया सकता है जो कि काफ़ी भारी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्रोडेंट। इम्प्रोडेंट मतलब क्या होता है? ढीठ। कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो ढीठ हो, जो भी अपने हरकत से बाज नहीं आए, ठीक है, जिसको जो चीज़ मना किया जाए वो करते रहे, तो उसको कह सकते हैं ढीठ, या इसका साइनोनिम हो सकता है इंसोलेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है केकोफोनी। केकोफोनी मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल, हल्ला, ठीक है, तो इसका हो सकता है नॉइज हमारा साइनोनिम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपोप्लेक्टिक। एपोप्लेक्टिक मतलब होता है मिर्गी से ग्रस्त। कभी भी कोई मिर्गी से अगर ग्रस्त हो जा रहा है उसके लिए एपोप्लेक्टिक यूज किया सकता है या पैरालिटिक यूज किया सकता है। देखिए ये पैरालिसिस से रिलेटेड है तो पैरालिटिक भी हो सकता है इसका साइनोनिम, ठीक है, एपोप्लेक्टिक किसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेरोसिटी। फेरोसिटी मतलब क्रूरता, असभ्यता। कोई भी असभ्य मानव है या कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो असभ्य व्यवहार करे, क्रूर व्यवहार करे, तो उसके लिए फेरोसिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रिपोस्ट। रिपोस्ट मतलब क्या होता है? जवाबी हमला। कहीं पे भी मान लीजिए अपने देश में कहीं से हमला हो गया तो कोई आतंकवादी का, और उस पर हम लोग क्या किए, जवाबी हमला किए, तो उसको हम लोग कहते हैं रिपोस्ट या रिटेलिएट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉचिंग। पॉचिंग मतलब होता है अवैध शिकार। मतलब मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं, किसी भी एनिमल्स को मारना अलाउ नहीं है, तो अगर उसको कोई भी अगर उसको मार रहा है, उसको जान से मार रहा है, उसका शिकार कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग अवैध शिकार या पॉचिंग उसको कहा जाता है, ठीक है, इलीगल तरीके से शिकार करना। नेक्स्ट है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मतलब होता है शोहरत, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही जगह पे यूज किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है ये शोहरत, ठीक है, तो ये होता है प्रोमिनेंस। नेक्स्ट आज का हमारा वर्ड है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब होता है अपरिवर्तनवादी, मतलब वैसा पर्सन जिसको चेंज पसंद ना हो, वो जैसे रह रहा है कुछ दिन पहले से जैसे रह रहा है वैसे ही रहना चाह रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं अपरिवर्तनवादी या रूढ़िवादी उसको कहा जाता है, ठीक है, कंजर्वेटिव इसका हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आज का हमारा स्लम्बर। स्लम्बर मतलब होता है एक तरह की नींद होती है, ठीक है, नींद, थकान, आलस हो जाना, ठीक है, रिपोज हो जाना, इसका साइनोनिम्स हो सकता है, तो नींद हो गया, थकान हो गया या झपकी लेना हो गया, ठीक है, तो इसके लिए स्लम्बर का यूज किया जाता है। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।